मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत का किया भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर सीएम गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया। राज्य 4 दर्जन से भी अधिक स्थानों पर जनसंपर्क किया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत के लिए वोट मांगते नजर आएंगे सीएम अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 25 को फतह करने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और आज इसी के तहत जोधपुर का दौरा रहेगा। एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत के पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत का भव्य स्वागत और आज सीएम 4 दर्जन से भी अधिक जगहों पर जनसंपर्क करेंगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा रहेगा और इस दौरान 4 दर्जन से भी अधिक जगहों पर सीएम अशोक गहलोत वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। 4 दर्जन से भी अधिक स्थानों पर सीएम अशोक गहलोत का जनसंपर्क और कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और इसी खबर पर हमें अपडेट देने के लिए एवन संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। दयाल सिंह, आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जोधपुर दौरा रहेगा और एक साथ 4 दर्जन से भी अधिक स्थानों पर जनसंपर्क करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है और सीएम के पहुंचने पर एयरपोर्ट पर क्या कुछ माहौल देखने को मिला? देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा, मौका चुनाव प्रचार का और अंतिम 2 दिन बचे हैं और दोनों पार्टियां अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इसी कड़ी में वैभव गहलोत, जो जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी है और मुख्यमंत्री के पुत्र है, उनके चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ने आज का पूरा दिन रखा है। आज सुबह से 10 बजे के लगभग मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करने के बाद सीधे चुनाव प्रचार में लग गए और सबसे पहले पापुपुरा क्षेत्र में गए, वहां पर एक जनसभा को, छोटी सी जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद यूथ हॉस्टल के पास एक मंदिर में गए, वहां पर भी जनसंपर्क किया और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री रातनाडा स्थित पूर्विया प्रजापति समाज में गए और वहां पर भी एक जनसभा का संबोधित किया। अभी जो मुख्यमंत्री है बासनी पीढ़ी टंकी के पास जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे लगातार करीब आज 56 से अधिक जगह मुख्यमंत्री अलग अलग लोगों के से मीटिंग लेकर और जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वैभव गहलोत को जिताने की अपील कर रहे हैं। जी दयाल सिंह, जिस तरह से मुख्यमंत्री हमेशा से ही कहते हैं कि वोट एक अमूल्य चीज है और अगर आप किसी के घर जाकर आप वोट की अपील करें तो इससे बड़ा वोट देने वाले के लिए कुछ नहीं हो सकता और इसी के तहत 56 से भी अधिक स्थानों पर मुख्यमंत्री आज जनसंपर्क करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने बताया मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कुछ कहा मीडिया से मुखातिब होते समय? देखिए बताना चाहूंगा ज्योति की, मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री ने सीधा कहा कि देश के युवा जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अनुकरण प्रचार कर रही है उसके बहकावे में ना आकर विवेक का इस्तेमाल करती है। जिस तरह का 5 सालों में जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, उसने जिस तरह से विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, जिसके चलते युवा उनके झांसे में नहीं आए। जैसे कि कल मुख्यमंत्री का अलवर, अजमेर और कोटा का दौरा रहा था तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तीनों जगह देखा है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर बताई जा रही है, जिसके चलते हर जगह कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छी स्थिति में है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्तमान सांसद रहे हैं वो लोगों से वोट मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 5 सालों में विकास कार्य नहीं किए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करती है, इस तरह के आरोप लगाए मुख्यमंत्री ने। जी दयाल सिंह, ये जानना चाहूंगी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जोधपुर दौरे पर और भी कोई कांग्रेस का दिग्गज नेता नजर आया? जिस तरह के डिप्टी सीएम सचिन पायलट हमेशा से ही हर दौरे पर सीएम के साथ नजर आते हैं, तो आज मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस में कौन कौन मंत्री या कौन कौन विधायक शामिल है? देखिए फिलहाल जो जनसंपर्क चल रहा है इसमें एक दो नेता जो है साथ में मुख्यमंत्री के दिख रहे हैं, ज्यादा बड़े नेता आज मुख्यमंत्री के साथ नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री डोर टू डोर आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में जो आसपास में जो क्षेत्र में जो है लोकसभा क्षेत्र बड़ा है जोधपुर, तो दूसरे क्षेत्रों में जो इस तरह नेता आए हुए हैं बाहर से चुनाव प्रचार के लिए, वो भी इसी तरह से अलग अलग टोलियों में बैठकर लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। जी दयाल सिंह, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पहुंचने पर आम जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश नजर आया।
निश्चित ही कहा जा सकता है आम जनता में जोश है, मुख्यमंत्री लगातार यहाँ आ रहे हैं, साथ ही कल जो है कई नेता भी जोधपुर आ रहे हैं, जिसमें आज भी अभी सूचना मिली है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस में शामिल हुए थे भाजपा छोड़कर, वो भी जोधपुर में आ रहे हैं, वो भी एक मीटिंग लेने वाले हैं, और इस तरह और भी कई कांग्रेसी बड़े नेता है जो जोधपुर में आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे और उसी तरह से जनसंपर्क करेंगे और छोटी छोटी सभाएं ले रहे हैं। जैसे कि अब एक ट्रेंड बन चुका है कि हर वार्ड हर गली में जाकर एक नेता एक अपनी सभा करता है, मीटिंग करता है, और वहाँ आम जनता से वोट मांगने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी दयाल सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की अपील करने का, और आज मुख्यमंत्री यानी कि राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे, अपने पुत्र और साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे, और साथ ही 56 से अधिक स्थानों पर मुख्यमंत्री आज जनसंपर्क करेंगे।